पहली बार दिव्यांगों द्वारा बनाए गए एक अद्भुत शो मिस्टर एंड मिस स्वदेशी इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देने के लिए नागपुर में पत्र परिषद आयोजित की गई थी। इस दौरान मॉम्स प्रोडक्शन के डायरेक्टर सनी फ्रांसिस ने शो के बारे में जानकारी दी। दुनिया की नजरों में आज तक हमेशा दिव्यांग शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में एक छवि बनी हुई है कि ये तो सिर्फ दूसरों पर और समाज पर ही निर्भर होते हैं, पर देश में पहली बार नागपुर के दिव्यांगों ने मिलकर एक शो ऑर्गेनाइज किया है। देश का पहला ऐसा शो जिसमें होने वाली हर एक चीज सब कुछ एक दिव्यांग संभालेगा और इस शो का नाम है मिस्टर एंड मिस स्वदेशी इंडिया। इस शो में मुख्य रूप से मॉम्स प्रोडक्शन के निर्माता मिस्टर सनी फ्रांसिस का सहयोग मिला है। मिस्टर एंड मिस स्वदेशी इंडिया इस शो के माध्यम से वो खुद तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, साथ ही समाज के लिए भी एक मिसाल कायम कर रहे हैं और इस शो के माध्यम से भारत के दिव्यांगों को एक नई राह मिलेगी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांग उपस्थित थे। मैं सनी फ्रांसिस और मैं मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ 2013 का। मैं मॉम्स प्रोडक्शन का डायरेक्टर भी हूँ। ये एक बहुत ही अद्भुत शो है जो हम नागपुर से बनाना शुरू कर चुके हैं। इसकी तैयारी पिछले 3 साल से हम लोग मिलकर कर रहे थे। ये शो का नाम है मिस्टर एंड मिस स्वदेशी इंडिया, जो चलता नहीं चलाएगा इंडिया। थीम ये है कि इंडिया के जो दिव्यांग हैं, मतलब विदर्भा के जो हमारे फिलहाल दिव्यांग यहाँ मौजूद हैं, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। किसी में सिलाई का टैलेंट है, किसी में मेकअप का टैलेंट है, कोई एंकरिंग कर सकता है, कोई बैकस्टेज मैनेजमेंट कर सकता है। ये सारे टैलेंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। मॉडल्स तो नॉर्मल रहेंगे जो वॉक करेंगे इस शो में, लेकिन दिव्यांग लोगों के द्वारा पूरे शो को मैनेज किया जाएगा और ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा शो होगा जो दिव्यांगों के द्वारा बनाया जाएगा, मिस्टर एंड मिस स्वदेशी इंडिया। और मैं अपेक्षित हूँ कि इसी प्रकार से हमें हमारी जो मीडिया है उससे भी सहयोग मिलेगा।